दिल्ली में रहने वाले छात्र जो देश की विभिन्न सेनाओं में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी में एक प्रिपरेटरी स्कूल की शुरुआत की है, जहां छात्रों को मुफ्त में सेनाओं के सिलेक्शन की ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस स्कूल का शुभारंभ किया। आइए एक नजर डालते हैं। भारतीय सेना में भर्ती होने के इच्छुक दिल्ली के छात्रों के लिए दिल्ली सरकार ने एक नए स्कूल का शुभारंभ किया है। इस स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल रखा गया है और ये नजफगढ़ इलाके के झारूंदा कालन में 14 एकड़ पर फैला हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस स्कूल का उद्घाटन किया। इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए करीब 18,000 बच्चों ने आवेदन किया था और 9वीं में 89 और 11वीं में 91 छात्रों का एडमिशन करवाया गया है। सारी वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज सिखाई जाएंगे जो आर्मी में होती है ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज फौज में होती है। थ्रू इंडिविजुअल एंड ग्रुप टास्क, मॉक इंटरव्यूज करवाए जाएंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाए जाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स होंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने तेजी से काम किया और आज ये स्कूल बनकर तैयार है। ये देश आपको बहुत कुछ दे रहा है, इतना शानदार हॉस्टल, इतना शानदार कैंपस, इतनी शानदार एजुकेशन तैयारी, लेकिन अगर आप रोजाना सुबह उठ के इस संकल्प को अपने अंदर दोहराते रहेंगे कि देश ने मुझको बहुत कुछ दिया है, मुझे भी देश को वापस देना है, तो मुझे लगता है हम सब की मेहनत, माननीय मुख्यमंत्री जी का देखा हुआ सपना सब सच होगा। इस नए स्कूल में भर्ती हुए बच्चों को वो प्रत्येक गुण सिखाए जाएंगे जो भारतीय सेना में जाने के लिए अनिवार्य हैं। उन्हें कई तरह की वर्कशॉप्स भी करवाई जाएंगी और फौज के रिटायर्ड ऑफिसर्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा भी गाइड किया जाएगा।